सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है सबके। गाइस आज वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो कि भरत भाई आप अपनी स्किन पे क्या यूज करते हो, सो गाइस मैं आपको एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा जो कि 100% नेचुरल है, हर्बल है एंड सेफ है, जिसका नाम है मुस्टैच का फेस लाइटनिंग ऑयल। मुस्टैच द मेंस ग्रूमिंग कंपनी एक स्किन लाइटनिंग ऑयल है जो आपकी स्किन में ऑब्जर्व होकर आपकी स्किन को अंदर से क्लियर और ब्राइट बनाता है। इसको मैं काफी टाइम से पर्सनली यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। गाइज आपको इसके अंदर लिकोराइज ऑयल, हल्दी का ऑयल एंड स्वीट आलमंड ऑयल, ये सारे कोल्ड प्रेस ऑयल आपको मुस्टैच के हर्बल लाइटनिंग फेस ऑयल में मिल जाएंगे और इसका रिजल्ट आपको 4 वीक्स में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसके बाद यूज कर सकते हैं मुस्टैच का ओशियन फेस वॉश। जैसे कि इस पर लिखा है कि ये दोनों पार्टनर प्रोडक्ट है एंड इन दोनों के रिजल्ट एक साथ बहुत ही ज्यादा ऑसम है। चलो आओ मैं दिखाता हूँ मैं कैसे यूज करता हूँ। सबसे पहले आपको अपना फेस धोना है, देन ये ऑयल अप्लाई करके इस ऑयल से अपने फेस पे मसाज करनी है। उसके बाद आपको फिर से अपने फेस को एक अच्छे से फेस वॉश के साथ वॉश कर लेना है। सो गाइज मैं तो पर्सनली इसको मुस्टैच के ओशन फेस वॉश के साथ यूज़ करता हूँ क्योंकि गाइज इसके अंदर लिकोराइज है एंड कैमोमाइल है जो कि आपकी स्किन को अंदर से क्लियर एंड रिफ्रेश रखता है। एंड गाइज इसके अंदर सिलिसिक एसिड भी है जो आपके फेस के एक्ने एंड मार्क्स को हटा देगा। सो आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं एंड ये प्रोडक्ट आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सो इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना एंड चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैस्मिन, जैस्मिन, अरे जैस्मिन तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, वॉशरूम में छिपकली देख ली क्या? नहीं। फिर बताओ बाबा रो क्यों रहे हो आप? वो मुझे मम्मा पापा की बहुत याद आ रही है। तो इसमें रोने की क्या बात है बाबा, मुझे बता देते मैं तुम्हें ले चलता। मैं जल्दी से फ्रेश होके आ रहा हूँ, आज डिनर तुम्हारे मम्मा पापा के घर ही करेंगे, ठीक है? तुम भी रेडी हो जाओ। Really? हाँ। जटू उत्ते कैसे जेड़ा संजय तत्ते, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है? कौन रो रहा है यार? पेप्सी तो नहीं रो रही? अरे टीवी तू रो रहा है क्या? लगता है आवाज अंदर से आ रही है, देखूं तो। अरे यार कौन रो रहा है यार? अरे बेबी आप क्यों रो रहे हो? क्या हो गया मेरे बच्चे? कुछ नहीं। अरे मेरा बेबी मुझे नहीं बताएगा तो मुझे कैसे पता लगेगा, बताना बेबी। मैंने इतनी देर लगा के चिल्लम बनाया तो बाद में देखा तो गोली खत्म है। अरे यार बेबी इतनी सी बात, अपने पति को याद करते। आपका पति 24 घंटे कॉल जेब में लेके घूमता है, ये लो फटाफट में फ्रेश हो गया है, कॉल गरम करो, दोनों मियां बीवी हुक्का पियेंगे। ओके बेबी। ओके। यार मुझे क्या पता था हालात यहाँ तक आ जाएंगे, काउंट बैलेंस जीरो हो रखा है और खर्चे कम होने की जगह बढ़ते ही जा रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि खर्चा हो कहाँ रहा है। आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? आप देखना भगवान सब ठीक कर देंगे। हाँ तुम्हारे भगवान ही तो नीचे आएंगे और मेरे हाथों में पैसे दे के जाएंगे।
तुम लड़कियों का हर जगह ड्रामे करना जरूरी होता है क्या? ये तुम्हारा कोई टीवी शो नहीं चल रहा, ठीक है ना? भगवान सब ठीक कर देंगे। एक काम करो, तुम मेरे साथ ना बैठा ही मत करो, अंदर जाओ और सो जाओ, मैं अपने आप देख लूंगा। ये मेरी कुछ सेविंग्स हैं, अगर आपकी इससे कुछ हेल्प हो सकती है तो आप इसे रख लो। इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना। अरे यार भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना पैसा खर्च कहाँ होता है, और आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कल तक मित्तल की पेमेंट कैसे करूंगा, 6 महीने से लटका रखा है उसे यार। कुछ ना कुछ हो जाएगा यार, चल देखते हैं। ये देखो महारानी जी, पति यहाँ पे पैसों की टेंशन लेके बैठा है और मैडम को शॉपिंग से ही नहीं फुर्सत। जी कुछ कहा आपने? नहीं मैडम, हम क्या कह सकते हैं आपको, आप तो घर की महारानी है, आप जाके अंदर आराम फरमाइए। आपको थोड़ा ना फर्क पड़ता है कि पति को किस बात की टेंशन है और किसकी नहीं, आप जाइए आराम फरमाइए अंदर। Why are you behaving like this? और मुझ पे ना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जो खर्चती हूँ अपने पैसों से खर्चती हूँ, तुमसे कुछ नहीं मांगती। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में सोच सोच के परेशान हूँ और मैडम जी अपने पैसों के बारे में बात कर रही है। मैडम जी आपको आपके पैसे मुबारक हो, आप अंदर जाइए। अरे भाई, ये इंडिया के हर एक शादीशुदा इंसान के घर की कहानी है। जवाब लगा लगा रे नमक इश्क का है रे। जी आराम से। ओए पीछे, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, समझी? जी आपने बहुत पी रखी है, मैं एक काम करती हूँ, आपका डिनर लगा देती हूँ, आप जल्दी से खा के सो जाओ। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, ये सब ड्रामे ना मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पति परमेश्वर वाली फील लेगी, अपना चुपचाप खाना खाया कर और सो जाया कर, ये सब दिखावा मत करा कर मेरे आगे। और ज्यादा दिक्कत हो तो चले जाइए अपनी माँ के घर, शादी ना हो गई वसूली हो गई मेरी जान को। से मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता। मुझे पीने का शौक नहीं,
रिटर्न है भाई। ओ हेलो, आज कहाँ से मिल गई फिर से तुझे फ्री की दारू? ओ हेलो, तमीज से बात करा कर, तेरा पति परमेश्वर हूँ, पति परमेश्वर। अरे काहे का पति परमेश्वर, पूरा दिन तो दारू पी के घर पे पड़ा रहता है। ओ हेलो रूअफजा पीने वाले पुअर पीपल्स, तुमसे शादी में तो दारू पिलाई नहीं गई, तू अब भी मत पीने दे मुझे, दिमाग खराब। ओ हेलो, मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। फैमिली के बारे में मत बोलो, अबे तुमने तो शादी में भी शाही पनीर में सिर्फ शाही शाही खिलाई थी, पनीर तो था ही नहीं, तुम तो माँ कंजूस इंसान हो। हे भगवान, कैसे बंदे के पल्ले बन गई मैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तेरे से प्यार कर बैठी। कैसे बंदे के साथ? यही बंदा ना 2 लाख रुपीस मंथ का खर्चा तेरा उठाता है, और उसकी भी मैंने EMI बंधवा रखी है, और उसका गम बटाने के लिए शराब पीता हूँ तो उसमें भी टोक ले, नीचू टोक ले। तुझसे तो बात ही करना बेकार है, पड़ा रहे यहाँ पर। हाँ तो बत कर जा। ओ शादी करके फंस गया बेचारा। भाई मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है जाने में, तो एक काम कर, बस हृदय और भविक को बोल दे कि वो भी अपनी फटाफट पैकिंग कर ले और पूरे 10 बजे मिल जाए। भाई मनाली में आग लगा देंगे सारे भाई मिलके। चल ठीक है भाई, पैकिंग करके जल्दी से मिलता हूँ तुम्हें। ओके भाई। अरे तुम, मैं तुम्हें ही आवाज़ देने लगा था। एक काम करो, मेरे कपड़े पैक कर दो, मैं और मेरे दोस्त हरिद्वार निकल रहे हैं आज ही। बट फोन पे तो आप मनाली जाने की बात कर रहे थे। अरे एक ही बात है ना यार, तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो, फटाफट मेरे कपड़े पैक कर दो एंड साथ साथ अपने भी कपड़े पैक कर लेना। क्या आप मुझे भी लेके जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम घर पे बोर हो जाओगी, सो मैंने सोचा कि रास्ते में तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर छोड़ता चलूं। ठीक है, फटाफट बैग पैक कर दो। जी ठीक है। अरे भाई यार बहुत टाइम हो गया यार, हम सारे यार दोस्त कहीं घूमने नहीं है, हमें कहीं बाहर भी चलना चाहिए यार। भाई तू एकदम सही बात कह रहा है, मैं तो कहता हूँ आज ही निकलते हैं रात को 10 बजे, सारे भाई मनाली में आग लगा देंगे। तू एक काम कर, सबको फोन कर और बोल बैग पैक कर ले, बस अभी निकल रहे हैं। ठीक है भाई। भरत। हाँ जी। एक बार रूम में आना। 2 मिनट भाई, खुला रही। हाँ जी बेबी, आपने बुलाया? कहाँ जा रहे तुझे अपने दोस्तों के साथ? कहीं नहीं बेबी, मैं तो यहीं पे हूँ, मैं तो आपके शरणों में बैठा हूँ बेबी, मैं नहीं जा रहा कहीं। अगर तू उनके साथ कहीं गया तो मैं तुझे ऐसी ट्रिप पे भेजूंगी जहाँ से तू कभी वापस नहीं आ पाएगा। नहीं बेबी, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मैं तो शहर से क्या, मैं इस घर से, बेबी घर भी छोड़ो, मैं तो इस रूम से बाहर ही नहीं जा रहा। बाहर मेरा दोस्त बैठा है, उसको जाके मना कर दो, मैं नहीं जा रहा कोई ट्रिप पे, मैं तो अपने शोलू बाबू बच्चे के साथ बैठूंगा। ठीक है बेबी, जाओ मना कर दो। गुड बॉय। लिसन भविक, वो सडनली भरत की तबीयत ना बहुत खराब हो गई है और वो तुम्हारे साथ ट्रिप पे भी नहीं जा पाएगा, तो तुम लोग अपना प्लान कर लो। और हाँ, उसने कहा है तुम घर भी जा सकते हो। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा। अरे तुम्हें तो फीवर हो रहा है।
नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं क्या, तुम्हें बुखार हो रहा है, तुम रेस्ट करो, मैं दवाई लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं रहने दो, और वैसे भी ऑलमोस्ट सुबह हो चुकी है, मुझे बहुत काम है और तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना। अरे भाड़ में गए सारे काम और भाड़ में गया मेरा ऑफिस, मैं सारे काम खुद कर लूंगा, तुम चुपचाप रेस्ट करो, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ। जैस्मिन क्या हो गया बाबा? कुछ नहीं यार, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, एक काम करो रेस्ट कर लो तुम। अरे मैं ठीक हूँ यार, और वैसे भी बहुत सारा काम पड़ा है, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम जाओ। मेरा जाना इतना जरूरी नहीं है, और भाड़ में गया सारा काम मैं खुद कर लूंगा, तुम चुपचाप जाओ और रेस्ट करो। बट रेस्ट करो चुपचाप। चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, मैं तो दोनों को इक्वल प्यार दूंगा। और आप कमेंट्स में बताइए कि आप सबको क्या पसंद है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। सो व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है सबके? गाइस वीडियो कैसी लगी फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा एंड स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, सो जल्दी से वहां पे भी फॉलो कर लो। एंड मुस्टैच के किसी भी प्रोडक्ट की इंक्वायरी अगर आपने करनी हो तो आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। एंड गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाके मुस्टैच के प्रोडक्ट बाय कीजिए एंड खुद ही रिजल्ट देखिए। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे कूल एंड I love you all.